बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी लैंड ऑफिशियल एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द न्यू मेंबर्स हु हैव रिसेंटली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, कमेंट, क्यूरीज एंड सजेशंस। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3, नाउन नंबर फ्रॉम द ग्रामर ट्री, बेसिक इंग्लिश ग्रामर इन कंपोजिशन फॉर ग्रेड 3 सेकेंड एडिशन। इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल हम अपने एनालिटिक्स को देख लेते हैं। लास्ट वीडियो तक हमारे जो वॉच टाइम सब्सक्राइबर्स की तरफ से था दैट वॉज 13.8%, जो कि अब इंक्रीज़ हो चुका है एंड नाउ इट इज़ 15.1% जस्ट बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर विद प्रेयर। ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم اني اسالك علما نافعا। The name of this unit, this chapter is nouns number। You know that most nouns can have two forms। आप जानते हैं कि बहुत से nouns की दो forms हो सकती हैं या दो इकसाम हो सकती हैं, दो अशकाल हो सकती हैं। A, one form to show that the noun refers to one thing। इसकी एक शक्ल तो ऐसे हो सकती है कि नाउन से हमें पता चले कोई एक चीज़ का नाम है या एनिमल का या फिर पर्सन का, किसी एक थिंग एनिमल या पर्सन का नाम है। द नाउन इज़ देन सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। इसको हम सिंगुलर नंबर में लिखते हैं, वाहिद शक्ल में लिखते हैं। आ टेबल, आ हैंड, आ हॉर्स, आ मैन, यहाँ पे अ इज़ इक्वल टू वन। बी है अ सेकेंड फॉर्म टू शो दैट द नाउन रिफर्स टू मोर देन वन और मैनी थिंग्स। दूसरी शक्ल ये है कि नाउन एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ हो, इसमें थिंग्स भी हो सकती हैं, एनिमल्स भी और पर्सन्स भी। द नाउन इज़ देन सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। इसको हम प्लूरल जमा की शक्ल में लिखते हैं। थ्री टेबल्स, मैनी हैंड्स, सम हॉर्सेस, फ्यू मैन। सी है, हाउ एवर सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म टू शो बोथ वन एंड मैनी। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर को शो करें या प्लूरल को हम एक ही फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हैं आ शीप, एन एयरक्राफ्ट, आ डियर। मैनी शीप, मैनी एयरक्राफ्ट एंड टेन डियर, यहाँ पे हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। द फॉलोइंग नाउन्स डू नॉट हैव एनी प्लूरल फॉर्म। अब नीचे जो नाउन्स हैं इनकी भी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है। इक्विपमेंट, अपरेटर्स, फर्नीचर एंड म्यूजिक। नेक्स्ट है सिंगुलर टू प्लूरल, जब हमने वाहिद से जमा में चेंज करना होता है। गिवन बिलो आर सम ऑफ द वेज, नीचे कुछ तरीके दिखाए गए हैं इन विच द नंबर ऑफ अ नाउन मे बी चेंज फ्रॉम द सिंगुलर टू प्लूरल, जिसमें हम किसी भी चीज़ के नाउन को या उसके नाम को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। बेसिकली रूल्स बताए गए हैं। नंबर वन है यूजुअली वी सिंपली ऐड एस टू द सिंगुलर। आमतौर पर हम सिंपली एस ऐड कर देते हैं किसी भी नाउन में, जैसे क्रो, क्रोज, लेग, लेग्स, वीक, वीक्स, मंथ, मंथ्स। नंबर टू है वी ऐड ई एस टू सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन सी एच, एस एच, एस, डबल एस और एक्स। जिन नाउन्स के एंड में सी एच, एस एच, एस, डबल एस और एक्स आता है उसमें हम ई एस ऐड करते हैं। इसकी एग्जांपल हमें गिवन है मैच, मैचेस, बुश, बुशेस, गैस, गैसेस, क्लास, क्लासेस, बॉक्स, बॉक्सेस एंड फॉक्स, फॉक्सेस। नेक्स्ट इज नंबर 3, व्हेन द नाउन एंड्स इन वाई, जब किसी भी नाउन के एंड में वाई का लेटर आ जाए वी ड्रॉप द वाई, हम वाई को स्किप कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं एंड ऐड आई ई एस और आई ई एस उस वर्ड में ऐड कर देते हैं। इसके एग्जांपल्स हमें गिवन हैं बेबी, बेबीज, लॉरी, लॉरीज, फेरी, फेरीज, लेडी, लेडीज, फ्लाई, फ्लाइज, करी, करीज। इन सब वर्ड्स में हम देख सकते हैं वाई को स्किप करके हमने आई ई एस उसमें ऐड कर दिया तो ये इसकी प्लूरल फॉर्म बन गई। बी पार्ट है इफ़ देयर इज़ अ वॉल बिफोर द वाई, अगर वाई लेटर से पहले एक वॉल वर्ड है वी ऐड ओनली एस टू द सिंगुलर, हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से प्लूरल में चेंज करेंगे। जैसे है रे, इसमें वाई से पहले ए आ रहा है जो एक वॉल है तो हम इसमें आई ई एस नहीं ऐड करेंगे और वाई को स्किप भी नहीं करेंगे, हम सिंपल रे के साथ एस ऐड कर देंगे। इसी तरह से है डे, डेज, ट्रे, ट्रेज, की, कीज, बॉय, बॉयज एंड टॉय, टॉयज। इन सब वर्ड्स में हम देख सकते हैं एक ही चीज़ कॉमन है, वाई से पहले वाउल है। फोर नंबर पे है व्हेन अ नाउन एंड्स इन एफ और एफ ई वी ड्रॉप द एफ और एफ ई एंड ऐड वी ई एस,
जब कोई भी नाउन जिसके आखिर में एफ या एफ ई का वर्ड यूज़ हो रहा हो, हम उसको ड्रॉप करके वी ई एस ऐड करते हैं। इसकी एग्जांपल्स हमें गिवन है, हाफ हाफ्स, थीफ थीव्स, नाइफ नाइव्स, लाइफ लाइव्स, लीफ लीव्स, वुल्फ वुल्व्स। इसका बी पार्ट है, बट वी सिंपली ऐड एज टू सम नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो कि एफ या एफ ई पर ही एंड होते हैं, लेकिन उसमें हम सिंपली एस ऐड करते हैं। इसमें एग्जांपल गिवन है, रूफ रूफ्स, चीफ चीफ्स, क्लिफ क्लिफ्स, एंड सेफ सेफ्स। नेक्स्ट पार्ट इज सी, टू सम नाउन्स एंडिंग इन एफ। कुछ ऐसे नाउन्स जिनका आखिरी लेटर एफ होता है, वी कैन ऐड वी ई एस और एस। इसमें हम वी ई एस और एस ऐड करते हैं, दैट इज़ ईच ऑफ दीज नाउन्स हैज़ टू प्लूरल फॉर्म्स। इन नाउन्स की टू प्लूरल फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे है ड्वार्फ, इसको हम सिंपल एस भी ऐड कर सकते हैं, पर एफ को ड्रॉप करके वी ई एस भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हूफ हूफ्स और हूव्स, ये दोनों तरह से ठीक होगा। इसी तरह से है स्काफ स्काफ्स और स्काफ्स, और लास्ट है हैंकरचीफ हैंकरचीफ्स और हैंकरचीफ्स। हम इन दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं। नंबर फाइव पे फर्स्ट पार्ट है, टू सम नाउन्स एंडिंग इन ओ वी सिंपली ऐड एस। कुछ नाउन्स जो कि ओ पे एंड हो रहे हैं, लास्ट उनका लेटर ओ है, उस पर हम सिंपली एस को ऐड करेंगे। एग्जांपल्स हैं किलो किलोस, रेडियो रेडियोस, पोटैटो पोटैटोस, पियानो पियानोस, स्टीरियो स्टीरियोस, एंड शैम्पू शैम्पूस। बी पार्ट है, बट टू सम नाउन्स एंडिंग इन ओ, कुछ नाउन्स जिनके लास्ट में जो लेटर है वो ओ है, वी हैव टू ऐड ई एस, हमें ई एस ऐड करना पड़ता है। लाइक पोटैटो पोटैटोस, टमेटो टमेटोस, हीरो हीरोज, एको एकोज, एंड ज़ीरो ज़ीरोज। इसमें हम देख सकते हैं पोटैटो रिपीट हो रहा है, इसमें हमने सिर्फ एस बी ऐड किया था और ई एस बी ऐड किया है, इन दोनों तरह से ठीक हो सकता है। टू सम नाउन्स एंडिंग इन ओ वी कैन ऐड एस और ई एस, कुछ ऐसे हैं जिनके लास्ट लेटर ओ है और उनको प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम एस या ई एस दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं कॉम्बिनेशन। इसमें एग्जांपल गिवन है, वोल्केनो वोल्केनोस, मोटो मोटोस, बफलो बफलोस, एंड कार्गो कार्गोस। एंड इसी तरह से पोटैटो भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं, बिकॉज इसमें भी एस और ई एस दोनों तरह से हम इसको प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर सिक्स, इन द केस ऑफ सम नाउन्स, कुछ नाउन्स ऐसे हैं वी फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एन, जिसमें हम ई एन ऐड करके उसकी प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जिस तरह से चाइल्ड के लिए है चिल्ड्रन, ऑक्स ऑक्सन, ब्रदर ब्रदरन। इसी तरह से नंबर सेवन है, सम नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल्स आर लिटिल डिफरेंटली, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनको हमने जब उनकी प्लूरल फॉर्म में उनको चेंज करना होता है तो थोड़े डिफरेंट तरीके से हम उसको चेंज करते हैं, जिसमें है फुट फीट, गूस गीस, माउस माइस, टूथ टीथ, मैन मेन, वुमेन वुमेन। इसमें हम देखते हैं डबल ओ को हमने डबल ई से रिप्लेस कर दिया फुट और टूथ में, इस तरह से गूस में भी यही हुआ है। माउस को हमने माइस में चेंज कर दिया, मैन में ए को हमने ई से रिप्लेस किया, वेमेन में भी इसी तरह ए की जगह हमने ई यूज़ किया। द फर्स्ट एक्सरसाइज इज ए, चेंज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स फ्रॉम द सिंगुलर टू प्लूरल। सिंगुलर फॉर्म हमें दी है, हमने इसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है। वर्ड्स को रीड कर लेते हैं, स्टोरी डे वॉच स्काफ काइट काफ सिटी मैस विश एंड मैंगो। अभी तक हमने जितने भी रूल्स देखते हैं उनको फॉलो करते हुए इनको चेंज करने की कोशिश करते हैं प्लूरल फॉर्म में। वन स्टोरीज, टू डेज, नंबर थ्री वॉचेस, नंबर फोर स्काफ्स और स्काफ्स, नंबर फाइव काइट्स, नंबर सिक्स है काव्स, सेवन सिटीज, एट मैसेज, नाइन विशेज, एंड टेन मैंगोज। या फिर इसको हम सिर्फ एस के साथ मैंगोज भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ही ठीक होगा। द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इज एक्सरसाइज बी, चेंज द फॉर्म्स ऑफ द अंडरलाइंड नाउन्स। यहाँ पे कुछ नाउन्स हैं जिनको अंडरलाइन किया गया है, सिंगुलर फॉर्म टू प्लूरल एंड प्लूरल फॉर्म टू सिंगुलर। जिनकी हमें सिंगुलर फॉर्म दी है उसको हमने प्लूरल में चेंज करना है, और जिनके हमें प्लूरल फॉर्म गिवन है उसको हमने सिंगुलर में चेंज करना है। देन री राइट द सेंटेंसेज, और दोबारा सेंटेंसेज को लिखना है
वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए यहाँ पे उसको लिख दिया गया है, सॉल्व कर दिया गया है. नंबर वन है द बर्ड फ्लू अवे, यहाँ पे बर्ड सिंगुलर फॉर्म है, इसको प्लूरल में चेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा बर्ड्स. इस तरह सेकेंड है द मैन स्टूड नियर द फील्ड एंड वॉच द बॉय प्ले. नंबर थ्री पे है द बेबी वॉज प्लेइंग विद इट्स मदर. इसके बाद है नंबर फोर द कुक मेड एन ऑमलेट विद एन एग एंड अ टमेटो. नंबर फाइव मदर पुट द ग्लास एंड द डिश ऑन द शेल्फ. सिक्स द चाइल्ड कुड हियर द वुल्फ हाउलिंग. सेवन द लेडीज सैट ऑन सोफाज एंड द मैन वर स्टैंडिंग. नंबर एट है द फेरीज एंड द एल्फ डांस्ड अराउंड द स्लीपिंग वुमन. नंबर नाइन है ऑल द फर्नीचर वॉज मेड ऑफ वुड. नंबर टेन इज यू शुड गो टू अ डेंटिस्ट टू हैव योर टूथ लुक्ड एट. नंबर इलेवन है द विजिटर्स स्टूड एंड वॉश द डियर इन द पार्क. नेक्स्ट इज नंबर ट्वेल्व एट नाइट द माउस वुड कम आउट एंड प्ले. नंबर थर्टीन द गर्ल प्लक्ड अ चेरी फ्रॉम द ट्री. नंबर फोर्टीन पे है देयर वॉज एन ओल्ड ड्रेस एंड अ ब्रोकन टॉय इन द बॉक्स. इसके बाद है नंबर फिफ्टीन सैम बॉट अ लॉफ ऑफ ब्रेड ही वॉन्टेड टू मेक अ सैंडविच. अगर हम सब अंडरलाइंड वर्ड्स की फॉर्म्स को चेंज करें, इन नाउंस की सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल और प्लूरल को सिंगुलर में करें, तो नंबर टू से हम स्टार्ट करते हैं. वन को क्योंकि सॉल्व कर दिया गया था. नंबर टू में है मैन बॉयज़. नंबर थ्री में है बेबीज मदर्स. नंबर फोर कुक्स एग्स टमेटोज. फाइव ग्लासेस डिशेज शेल्फ्स. सिक्स चिल्ड्रन वुल्फ्स. नंबर सेवन पे है लेडी सोफा. नेक्स्ट है नंबर एट फेरी एल्व्स वुमेन. नंबर नाइन पे है फर्नीचर. टेन टीथ. एलेवन विजिटर डियर. ट्वेल्व माइस. थर्टीन चेरीज ट्रीज. फोर्टीन ड्रेसेस टॉयज बॉक्सेस. फिफ्टीन लोव्स सैंडविचेस. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanak Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.